उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 आने के बाद जिस तरह से माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसे देखकर शायद यही लगता है कि अब शायद माफिया राज समाप्त हो जाएगा। लेकिन शायद कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों पर योगी जी की सख्ती को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल लखनऊ में बिजली विभाग का ढील ढाल रवैया सामने आया है। इस समय रमजान का वक्त है और गर्मी की तपिश से सभी परेशान हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ बिजली विभाग ने रैन बसेरों की लाइट की कटौती करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से रैन बसेरों में रहने वाले लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। बता दें ये रैन बसेरा वजीरगंज के नबीउल्ला रोड पर बना हुआ है। नगर निगम और एक एनजीओ द्वारा मिलकर रैन बसेरा बनाया गया था, जहां 2 महीने से बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी रैन बसेरे का हाल जानने वाला कोई अधिकारी अब तक वहां नहीं पहुंच पाया। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जाती है। क्या नाम है आपका? राम सिंह। आप यहाँ पे क्या है रैन बसेरा? केयर टेकर है हम। कहाँ पे का रैन बसेरा और क्या नाम है इस रैन बसेरे? इस रैन बसेरे का नाम नबीउल्लाह रोड आश्रय ग्रह। किसकी संस्था के द्वारा ये उम्मीद संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है। क्या समस्या आ रही है यहाँ के लोग का? यहाँ बहुत समस्या हो रही है। यहाँ समस्या क्या है, यहाँ जब लाइट नहीं तो न पानी है, न टॉयलेट की व्यवस्था है, न नहाने की, धोने की, पानी पीने की, यहाँ पीने तक की व्यवस्था और नहीं आसपास में कहीं है। लाइट कब से नहीं है? लाइट यहाँ 24 फरवरी को कट गई थी, काटी गई है, काटी गई है। मीटर उखाड़ ले गया है? सब उखाड़ ले गए, तब से यहाँ कोई नहीं आया। लगभग हर साल ये गर्मियों में कट जाती है। अच्छा, इसका बिल कभी जमा ही नहीं होता है। आज से 2 महीने हो गए लाइट कटे हुई है, तब से। आप बिना लाइट के किस तरह से रह रहे हैं? अब यहाँ ऐसी जैसे तैसे, अब यहाँ देख तो कहीं बाहर बैठे कहीं भीतर बैठे, नींद भी नहीं आती, बीमार भी रहते हैं। यहाँ पे कोई लोग भी रुके हुए रैन बसेरे में? रैन बसेरे में जो मजबूर लोग आते हैं, जिनको कहीं नहीं ठिकाना, तो वो बेचारे रुकते हैं और कहाँ जाएं? तो इस गर्म में रुक लेते हैं वो लोग? अब रुके मजबूरी रोकती है उनको, मान लिया 2 पैसे दिन में कमाए, बाहर लेट जाए तो भी कोई जेब झाल ले जाए, तो इस बचत के लिए यहाँ रुकते हैं। सुविधा नहीं हो रही? कोई सुविधा यहाँ नहीं। यहाँ कहे कटी है 2 महीने होगा, आपने किसी से अभी तक कहा? सबको मालूम है, संस्था को मालूम है, नगर नगर में किससे कहा था आपने? संस्था में हमारे प्रभारी लोग हैं जो उनको सबको मालूम, सब उनका नाम रमेश वर्मा है, बलबीर शर्मान है, इन सबको मालूम है। हाँ बिल्कुल कहा था। इनका क्या कहना रहा? अब इनका कहना रहा, देखो भाई अब नगर निगम जुड़ाती है या हम जुड़ाते हैं, कौन ये समाधान ही नहीं कर पाए। 2 महीने से ये अभी तक चल रहा और अभी तक लाइट नहीं जुड़ पाई। और नगर निगम के अधिकारी लोग आते हैं, देखो ताला डाले हुए हैं, सब यहाँ सामान रखे हुए हैं, सब जे वगैरह आते हैं, सब देखते हैं। लेकिन नगर निगम के कौन लोग आते हैं, किसी का नाम मालूम आपको? अब किशोरी लाल जय आते हैं यहाँ। जय आते हैं? ये वो जोन में आता है, ये जोन नंबर 1 है शायद, जोन नंबर 1 में आता है। हाँ अच्छा, तो अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या गुहार? अब हम चाह रहे हैं यहाँ सर व्यवस्था हो जाए, लाइट जुड़ जाए, सब ये परेशान मजदूर वगैरह आते हैं यहाँ, तो इनको कुछ आराम मिले, ना कुछ मिले, पानी पीने की, टॉयलेट जाने की, नहाने धोने की व्यवस्था हो जाए, रात में पंखा चल जाए, सब अंधेरे में रह रहे हैं, सब अंधेरे में यहाँ सड़ रहे हैं। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।